अब हम लोग बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में, यानी कि हिमाचल प्रदेश का सामान्य ज्ञान देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग इसमें इसकी मैप्स में स्थिति देखते हैं, आखिर कहाँ है आपका हिमाचल। देखिए, ये है आपका प्यारा भारत, इसमें प्यारे भारत में ये है आपका हिमाचल प्रदेश। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन सभी राज्यों को क्रम से रट लीजिए। हिमाचल प्रदेश, इसकी राजधानी शिमला हो गई। इसकी सीमाओं की बात करें तो ये देहरादून से, यानी कि उत्तराखंड से लगती है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है ना। इसकी सीमा आपकी उत्तर प्रदेश से भी लगती है, यहाँ हरियाणा से भी लगती है, पंजाब से भी लगती है, जम्मू कश्मीर से भी लगती है, और इसकी सीमा अब लद्दाख से भी लगती है, क्योंकि अब नया राज्य केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बन चुका है, तो इससे भी लगती है, और तिब्बत वाले हिस्से से भी लगती है इसकी सीमा चीन से। ठीक है, तिब्बत वाला जो चीन का हिस्सा है इससे भी लगती है। तो ये कहानी है आपके हिमाचल प्रदेश। अब चलते हम लोग इसके जो तथ्य हैं उन्हें देख लीजिए। राज्य हिमाचल प्रदेश, इसकी राजधानी शिमला हो गई। राजधानी क्या हो गई? शिमला। ये आपका ये देश की उत्तरी सीमांत प्रदेश में बसा हुआ है, देश का उत्तरी सीमांत प्रदेश है। अगर इसकी भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्रमशः इसका 32 डिग्री 22 मिनट उत्तर से उत्तरी अक्षांश, और 33 डिग्री 12 मिनट तक फैला हुआ है उत्तर में। और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो ये 75 डिग्री 47 मिनट पूर्व से 79 डिग्री 6 मिनट पूर्व तक फैला हुआ है। तो इसे किसी भी तरह से आपको याद रखना है, फिर चाहे आप लोग 32 12 32 22 याद रख लीजिए, 33 12 याद रख लीजिए। याद रखिए, ये अक्षांश है और ये आपकी देशांतरीय विस्तार है। 75 डिग्री 47 यानी कि 75 47 पूर्व से 79 6 पूर्व तक फैला हुआ है। अब इसकी भौगोलिक सीमाओं की बात करें तो बात भी कर चुके हैं, मैप्स में भी दिखा चुके हैं कि उत्तर में से जम्मू कश्मीर, और अब जम्मू कश्मीर को आपको पता है कि दो भागों में बांट दिया गया, एक लद्दाख एक जम्मू कश्मीर, तो दोनों की सीमाएं आपकी हिमाचल प्रदेश से लगती हैं। दक्षिण में आपका हरियाणा, दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, दक्षिण पश्चिम में आपका पंजाब, और पूर्व में आपका तिब्बत जो चीन का हिस्सा है, इसकी सीमा लगती है। अगर इसके क्षेत्रफल की हम लोग बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल है 55,673 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है हिमाचल प्रदेश। अगर यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो 68,64,602 व्यक्ति रहते हैं। टोटल जनसंख्या कितनी है यहाँ की? 68,64,602। इनमें आपके पुरुष हैं 34,81,873 और महिलाएं हैं 33,82,729। इसकी अगर 10 की ये वृद्धि की बात करें, 2001 से 2011 के बीच की वृद्धि, तो ये 12.9% की वृद्धि देखने को मिली है। 0 से 6 आयु वर्ष की जनसंख्या की बात करें तो 7,77,898 है। इनमें आपके बालक हैं 4,07,469, बालिकाएं हैं 3,70,439। अगर हम लोग लिंगानुपात की बात करें, इसके लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष आयु में तो 909 है, और साक्षरता की बात करें तो 82.8% है, जिनमें से पुरुष हैं 89.5%, महिलाएं हैं 75.9%। कुल साक्षर व्यक्तियों की बात करें तो ये हैं 50,39,736, जिनमें से पुरुष हैं आपके 27,52,590, महिलाएं हैं 22,87,146। अगर हम लोग लिंगानुपात की बात करें स्त्री पुरुष की, तो 972 महिलाएं हैं पिति 1,000 पुरुषों पर। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 123 व्यक्ति पिति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। कितने? 123 व्यक्ति। मुख्य भाषा की बात करें हम लोग, तो यहाँ मुख्य भाषा हिंदी, अन्य भाषाओं में पहाड़ी तथा उसकी उपबोलियाँ जैसे मंडाली हो गया, कुल्लूती, कांगड़ी, लाहौड़ी। जिला की बात करें हम लोग तो जिलों की संख्या 12 है यहाँ, और यहीं आपको बता देते हैं हम कि जो आपका
यहाँ की इसकी स्थापना 1971 में हुई। यहाँ आपकी 68 कितनी 68 विधानसभा सीटें, कितनी 68 यानी कि 68 विधानसभा सीटें हैं, 4 आपकी लोकसभा सीटें हैं और 3 आपकी राज्यसभा सीटें हैं। ठीक है, इसका उच्च न्यायालय की बात करें तो ये शिमला में है, हाई कोर्ट शिमला में है। प्रमंडलों की संख्या यहाँ 3 है जिनमें शिमला, मंडी, धर्मशाला। राज्य दिवस मनाया जाता है 15 अप्रैल को। पर्वत की बात करें तो शिवालिक, पीर पंजाल, जास्कर तथा महाहिमालय की चोटियाँ यहाँ देखने को मिलेंगी। प्रमुख शिखर की बात करें हम लोग यहाँ के तो यह सिल्ला, इसकी ऊंचाई है 7,026 मीटर। फिर आपका रियो फरग्याल, इसकी ऊंचाई है 6,791 मीटर। फिर आपका देव टिब्बा, इसकी ऊंचाई है 6,000 मीटर। फिर आपका परगौड़ 6,400 मीटर। चूड़धार घार, इसकी ऊंचाई है 3,637 मीटर। दर्रों की बात करें हम लोग, यहाँ दर्रे भी पाए जाते हैं तो बारालाचा ला, ये आपका 4,883 मीटर ऊंचा है, लाहौल लद्दाख में देखने। पीन पार्वती 3,319 मीटर, कुल्लू लाहौल तथा चुवारी ये आपका है 3,150 मीटर, चंबा कांगड़ा को जोड़ता है ये दर्रा। अगर नदियों की बात की जाए हम लोग तो यहाँ नदियाँ आपको देखने को मिलेंगी, सतलज, ब्यास, चिनाब, रावी, टोंस, गिरी और बाटा। झीलों की अगर हम लोग बात करें तो पारसागर, रेवलसर मंडी में, रेणुका, वाहन, मणिमहेश, सूरजताल, यमुना, यमुनाम तसो, लाहौल स्पीति, खजियार, चंबा। अगर बांध झीलों की बात करें तो गोविंद सागर झील एवं पोंग बांध यहाँ देखने को मिलेगा। सिंचाई तथा जल की बात की जाए तो इसमें आपको मिलेगा देखने को सिंचाई गिरवाटा भाबोर साहेब पिथम साह नहर परियोजना। अगर विद्युत परियोजनाओं की बात करें तो इसमें आपको देखेगा बैरासियोल, पार्वती विद्युत परियोजना, कौल बांध परियोजना, उल नदी परियोजना, संजय विद्युत परियोजना, नाथपा झाकड़ी परियोजना, रोकटी परियोजना किन्नौर में, रोंगट परियोजना, बिनवा परियोजना। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग यहाँ की जलवायु की बात की जाए तो उत्तरी भाग में उष्णार्ध जलवायु, शीत ऋतु में हिमवर्षा, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान यहाँ धर्मशाला है, 340 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा देखने को मिलेगी। अगर औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो 181.1 सेंटीमीटर देखने को मिलेगी। अगर तापमान की बात करें तो ग्रीष्म यानी कि गर्मी के समय में 18 डिग्री सेंटीग्रेड और शीतकाल की बात करें तो औसत 2 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिलेगा। फिर आपके पर्वतीय नगर, इसमें आपकी डलहौजी हो गया, धर्मशाला, कुल्लू, रेणुका, चंबा, खजियार, कसौली, कालका, लाहौल, सोलन, मनाली, चायल, कोपरी, नारकंडा। अन्य प्रमुख नगर की बात करें तो परवाणू हो गया, मंडी, रामपुर, सुंदरनगर, बिलासपुर, पालमपुर, जोगिंदर, नाहन, सिरमौर, सिरसौर, ऊना। विधानमंडल की बात करें तो एक सदनात्मक है यहाँ विधानमंडल, विधानसभा है, विधानसभा में सीटें 68 हो गई, लोकसभा में 4 हो गई, राज्यसभा में 3 हो गई, पहले भी बात बता चुका हूँ आपको। ठीक है, तो नहीं है। कृषि की बात करें तो यहाँ की एक बड़ी जनसंख्या, 76% लोग कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। वैसे तो भारत में देखते हैं कृषि प्रधान देश है भारत, तो यहाँ सब ज़्यादा ही कुछ लोग जुड़े हुए हैं। प्रमुख फसलों की बात करें तो गेहूं, मक्का, चावल, जौ, दालें, आलू, सब्जियां, तिलहन आपको देखने को मिलेंगी। प्रमुख फल की बात करें तो सेब, नाशपाती, खुबानी, अंगूर, आलूचा, रसदार फल, आलू बुखारा, आंडू, सुपारी ये सभी देखने को मिलेंगे। वन की बात करें तो कुल क्षेत्र के 68% भाग पर वन, जिसमें आपका इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, गोंद, बिरोजा प्राप्त होता है। खनिज चट्टानी नमक, मंडी जिले की दांग गुमा खाने, चूना पत्थर, बिलासपुर, सिरमौर, मंडी,
सिलेट, बिलासपुर, चंबा, सिरमौर। जिप्सम सिरमौर, यूरेनियम कुल्लू घाटी, विराइट्स, डोलोमाइट, पायराइट्स। प्रमुख उद्योगों की बात करें तो फूड प्रोसेसिंग, परवानु, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, सोझाई, सीमेंट, पोरोंटा साहिब, उर्वरक, बिलासपुर, धर्मकोट, सिरमौर, शराब, सोलन, अखबारी काज। यहाँ प्रमुख उद्योग देखने को मिलेंगे। और आपने देखा होगा ये आपका सतलज ब्यास बेसिन पर मिलेगा। तारबीन का तेल बिलासपुर, साहन, नाहन, बंदूक निर्माण नाहन। अन्य उद्योगों की बात करें तो लकड़ी पर खुदाई का काम, गलीचा निर्माण, चीनी उद्योग, चमड़े की वस्तुएं, ऊनी कंबल, मिट्टी के बर्तन, बिरोजा तैयार करना, विद्युत मोटरें, विद्युत बल्ब, घड़ियों के पुलकर, कलपुर्जे, ट्रांसमीटर आदि देखने को मिलेंगे। फिर आपके विद्यालय, विश्वविद्यालय। हिमाचल प्रदेश में विश्वविद्यालय शिमला में 1970 में इसकी स्थापना हुई। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में 1978 में स्थापना हुई। डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री ये सोलन में है, 1985 में इसकी स्थापना हुई। हवाई अड्डों की बात करें तो जब्बार, हारथी ये शिमला में मिलेगा देखने को, भंडार कुल्लू घाटी में, गग्गल कांगड़ा में। यहाँ के पर्यटन केंद्रों की बात करें तो कुल्लू, कांगड़ा, रवि घाटी, शिमला, डलहौजी, धर्मशाला, कसौली, सोलन, चैल, कुफरी आदि पर्वतीय दर्शनीय स्थल हैं, यानी कि घूमने लायक। तीर्थयात्रियों के लिए ज्वालाजी, चामुंडा देवी, चिंतुपूर्णी, रेणुका खोलसर, देवदत्त सिद्ध, नैना देवी उल्लेखनीय, नारकंडा, स्कीइंग, हेतु परवानु ये सभी देखने को मिलेंगे। राष्ट्रीय पार्क की बात करें हम तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, रोहिला राष्ट्रीय पार्क कुल्लू देखने को मिलेंगे। वन्य प्राणी बिहारी की बात करें शिकारी देवी अभ्यारण्य, मंडी मनाली, चायल, दरन घाटी, गोविंद सागर। शोध एवं अनुसंधान केंद्रों की बात करें तो विज्ञानी औद्योगिक अनुसंधान परिषद कॉम्प्लेक्स पालमपुर में देखने को मिलेगा, सेंटर पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में देखने को मिलेगी, नेशनल बायोलॉजिकल लेबोरेटरी पालमपुर में देखने को मिलेगा। फिर आपके औद्योगिक संस्थान नायन फाउंडी लिमिटेड नाहन में है। राजकीय पशु यहाँ का हिम तेंदुआ है। राजकीय पक्षी वेस्टर्न टिग्रोपन है। राजकीय वृक्ष देवदार है। राजकीय पुष्प रोहोडेंड्रॉन है। ठीक है, तो ये था आपका हिमाचल प्रदेश की कहानी। ठीक है, कुछ प्रमुख तथ्य बताए जा रहे हैं इसमें, याद रखिए, क्योंकि आप समझते हैं कि किसी भी राज्य के बारे में बात की जाए तो वैसे ही आप लोग उसमें भारत का भूगोल आपने देखा है, उसमें देख चुके हैं आप, भारत के संविधान में देख चुके हैं सभी राज्यों को लगभग, तो कवर तो आपके वैसे हो जाते हैं। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ही विस्तार से आपको पढ़ना है तो कोई बुक्स खरीद लीजिए, अगर आप हिमाचल प्रदेश के हैं तो लोकल की कोई बुक्स मिलती होगी उसे पढ़ें। ठीक,